बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, कामयाबियाँ अता फरमाए, यही मेरी दुआ है। सबसे पहले मेरे चैनल पे नए आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम। आज की मेरी वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि BA PSC का रिजल्ट किस तरीके को आना है और आखिरकार रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपके सामने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी चेक की है, सारे नोटिफिकेशन आ गए हैं। MA MSc के एडमिशंस, BA PSC के प्रैक्टिकल, इसके अलावा LLB के एडमिशंस और जो जनरल एडमिशंस हैं उसके बारे में भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा कि BA PSC जो के जो ऑनलाइन एग्जाम होने हैं उसका रिजल्ट कब आना है। और रिजल्ट में भी जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम से भी बारहा मीटिंग की है, बारहा उनको मेल की है, उनको कॉल्स भी की हैं, लेकिन अभी तक कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई, ना ही उन्होंने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी है। मेरे पास एक नोटिफिकेशन भी है जो मैं आपको स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहा हूँ। आप देखें, इसके अंदर जो नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिखाया जा रहा है, इसके अंदर ये बताया जा रहा था कि जो BA PSC के ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट है वो पहले उन्होंने बताया कि 8 अक्टूबर को आ जाएगा, फिर उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को आ जाएगा, उसके बाद उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को आ जाएगा, लेकिन अभी तक के रिजल्ट नहीं आया। तो स्टूडेंट इसके हवाले से काफी ज्यादा परेशान हैं। इन सब की परेशानियों को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम स्टूडेंट्स जब भी एग्जाम देते हैं उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आना है, कैसा नहीं आना, क्योंकि उसी की बेस पे आगे हमने अप्लाई करना है। फिर उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर MA MSc प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना है, या डिफरेंट किसी ने जॉब्स करनी है, या किसी ने डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है। तो सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा रिजल्ट कार्ड, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी की जो टीम ने अभी तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मुझे कल दी है, उनने ये बताया है कि रिजल्ट जो है हमारा 90% रेडी हो चुका है, 10% रेडी नहीं हुआ। उसकी ये वजह है कि कुछ स्टूडेंट्स का पेपर स्टक अप हो गए थे, कुछ के हमारे पास डिटेल पूरी नहीं आ रही। तो हम उनको कैसे अज्यूम करें कि वो पास हैं, या कैसे अज्यूम किया जाए उनके नंबर हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने तो एक ही MCQs किया था, या अपना सिर्फ नाम एंटर किया था, साथ ही लाइट चलेगी, या उनका पेपर स्टक अप हो गया। इस वजह से हम उनको अज्यूम क्या करें कि वो पास हैं या फेल हैं, या कितने ग्रेडिंग मार्क्स उनको दें। तो ये सारा कुछ डिसीजन हो रहा है, उसके साथ प्रैक्टिकल भी शुरू हो रहे हैं। तो आप स्टूडेंट्स जो है ना, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आपके जो जिन जिन के प्रैक्टिकल्स हैं वो प्रैक्टिकल दें, जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं हैं वो वेट करें। इंशाल्लाह जो रिजल्ट है वो 25 अक्टूबर को आ जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल के मिड में ही आ जाएगा, या प्रैक्टिकल के बाद आ जाएगा। अभी तक जो फाइनल डेट बताई गई है वो 25 अक्टूबर बताई गई है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की दूसरी टीम ने हमें ये बताया है कि जो रिजल्ट की फाइनल डेट अभी नहीं आई, वो डेट ये है कि जो भी आपके एग्जाम होने हैं, या जो भी आपका रिजल्ट उनका आना है ऑनलाइन का, वो किसी भी एक्सपेक्टेड डेट पे आ सकता है। यानी कि इसके ऊपर कोई फाइनल डेट नहीं है, ना ही कोई आपको फाइनल डेट बताई गई है। यानी कि यूनिवर्सिटी जैसे ही अपना डाटा एंटर कर लेगी, या जैसे ही उसकी तरफ से तमाम चीजें 100% ओके हो जाएंगी वेबसाइट के ऊपर। मुझे IT वाले स्टूडेंट इसको बेसिकली बेहतर जानते हैं, वो कहते हैं जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारा डाटा बेस के अंदर एंटर हो के हम इसको प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर इशू कर देंगे। तो आपसे गुजारिश है, आप हर 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहा करें, वहाँ रिजल्ट के अंदर जाके देखा करें कि रिजल्ट की अपडेट्स आई है कि नहीं आई। जैसे ही आएगी आपको पता भी चल जाएगी, मेरे चैनल के साथ भी इन टच में रहें, यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा आप वेबसाइट से खुद भी चेक कर सकते हैं। मजीद मैं ये कहूँगा, यूनिवर्सिटी चाह रही है कि जब भी रिजल्ट हम इशू करें सबका एक साथ कंबाइन रिजल्ट इशू किया जाए, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत और वेट और परेशानी का सामना ना करना पड़े, और ऐसा ना हो कि जैसा लाहौर बोर्ड या दूसरी यूनिवर्सिटीज या दूसरे इंस्टीट्यूशन यहाँ दारे करते हैं कि रिजल्ट इशू कर देते हैं, बाद में स्टूडेंट्स जो है ना को उनके मार्क्स के साथ हक तलफी होती है। तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी चाहती है कि सबको इक्वल राइट्स दिया जाए। तो इसी बेस पे यूनिवर्सिटी अभी तक रिजल्ट डिले करती जा रही है और वो इशू नहीं कर रही। मजीद जैसे ही मैंने मेल्स की हुई हैं, जैसे ही अपडेट्स आएंगी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। हमारे चैनल SL Lahori के साथ इन टच में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।